हम भारतीय विश्व की एक महाशक्ति बनने की रेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन लाने का सपना देख रहे हैं और उसे पूरा भी कर रहे हैं। हम एक आधुनिक भारत बना रहे हैं, लेकिन इसी आधुनिक भारत में हर 3 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति गरीब है। हम इस हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं कि हमारी 22% जनसंख्या गरीबी से पीड़ित है। इनकी मासूमियत, इनका बचपन ना जाने कष्ट के पर्दे के पीछे कहीं छुप सा गया है। गरीबों का तो कुछ वैलिया तो है नहीं। अरे वोट के टाइम पे आते हैं तो वो वोट ले लेते हैं हमारे से। अरे हमारा कुछ वैलिया नहीं है। अरे धक्के धक्के मार मार के हम हमको निकाल देते हैं या फूट बावड़ी के अंदर पड़े। भैया कमेटी वाले आते हैं तो जब भी हमारे वो बर्तन लेते हैं वो बर्तन भी ले उठा कर लेके चले जाते हैं। बिस्तर बिस्तर पड़ा रहता है बिस्तर ले लेके चले जाते हैं। लकड़ भरी रहती है लकड़ वाले उसे ले जाते हैं। ये तुम्हारे गाँव वाले आते हैं कोठियों वाले तो कोई आटा आटा दे के जाता है कोई कपड़े दे के जाता है कोई ये तो कम। क्या आपने कभी सोचा कि कैसे ये गरीब लोग बिना छत के इस खुले आसमान के नीचे ठंडी रातों को सोते होंगे? हम कंबल में भी कपकपाते रहते हैं। कैसे वो नन्हे बच्चे बिना कपड़ों के ठंडी सड़कों पर नंगे पांव चलते हैं? बसेरे में कैसे रहेगी? बाल बच्चे ज्यादा है, फैमिली ज्यादा है, अब रहने बसेरे में नहीं पाएगी। हमारे ऐसी मैदान में देखो बाल बच्चे ही खाने पीने का कच्ची बाथरूम सारी जंगल में जाते ही है। क्या करें, रहने बसेरे में नहीं होता है। यही बात होती है, बाल बच्चे ज्यादा, फैमिली ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है। क्या करें, कमाने वाले कुछ नहीं है भैया। खाने वाले कोई गाड़ी वाला दे जाते हैं, कोई आटा कोई चावल कोई खाने पीने का कम्बल कपड़े कपड़े। गरीब आदमी मने जा रहे, कोई सुनाई नहीं है हमारी जगह। सचमुच हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हमें अपने अलावा किसी और का दुख नहीं दिखता। हम खाने के लिए हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन एक गरीब को देखकर हमारी जेब से सिर्फ 1 रुपया निकलता है। ऐसी बात ना, यहाँ पे हमारे 15-20 सालों के हमारा कोई रहने का ठिकाना नहीं बना। बाल बच्चे परिवार है, बहू बेटे पोता पोती है, कोई रहने का ठिकाना। गरीब आदमी बनना चाहिए अच्छी बात है। आप यहाँ जाने के 15-16 सालों के ठंड में रात गुजरते थे, मरते बच्चे मर जाते हैं ठंड में, आते पानी पीते नहीं, पानी में नहीं दवाई पैसे डर के पैर नहीं आ जाएंगे। अब यहाँ जाने के लिए इतने साल हो गए रहते हमारे को, आपने सरकार को हमारी सुनाई नहीं करी। हमको फोटो लेके जा रहे हो तो हमारी हमारी गौर कर गरीब आदमी कहाँ बड़े पैर रोड पर है। ये कहने के लिए हमारा कहना फायदे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बाल बच्चे वाले पोता पोती बुरा पड़ा अपने हमारे तरफ से आपके हमको 100 वोट देकर हमारे आदमी 100 वोट बनेंगे हमारी तरफ से। इतने ये रोनी में हमारी सही में रहने वाले बंदे हमें 100 झुंगी होगी, आपको 100 आदमी को वोट मिलेंगे कम से कम। तो हमारी को कदर करोगे जितने जाएंगे और हमारे कुछ नहीं होगा, हमारे क्या कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बात कहने लगा बच्चों को पढ़ाने चाहते हैं और बच्चों का सारा प्रूफ मांग रहे, कोई आधार कार्ड कोई पहचान पत्र कोई हर चीज़ का प्रूफ मांग रहे। इतना प्रूफ तो हमारे पास है नहीं है बात। हम तो फूट पावड़ी पे रहने वाले हैं। सरकार कई बार ऐसे खींच खींच के लेके जाते हैं, कई बार लेके जाते हैं भैया काम हमारा बंद नहीं, बच्चे ऐसे ही रहने चाहते। बच्चों का मन करता है स्कूल जाने का, बच्चे सोचते हैं हम पढ़ने जाएंगे, मम्मी हमारा मुँह धुला हाथ धुला कपड़े बदला। अब बच्चे के जाने का प्रूफ मांगते आगे बच्चे वापस रोते आते हैं। अब पूरे काम आधार कार्ड बने थे, आधार कार्ड बोलते आधार कार्ड लेके आओ, सुनाई नहीं दिए दिया। 15 सेक्टर 15 पड़ता है ये सेक्टर 15 के स्कूल के अंदर हमारा आधार कार्ड है। अब वो जो पर्ची अर्ची रहती है वो पर्ची अर्ची स्कूल वाले कमेटी वाले लेके चले। भूख से बिलकते हैं चेहरे, चाहते हैं कि इनके पास खाना हो। ठंड से कपकपाते बदन, चाहते हैं कि इनके पास पहनने के लिए कपड़े हों, रात को ठंड से बचने के लिए एक रजाई हो। गरीबी से पीड़ित ये लोग भी समाज का एक हिस्सा हैं। अगर समाज का ये वर्ग दुखी है तो ये एक देश की प्रगति के लिए ठीक नहीं है।